हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय टू चैनल। मैं हूँ आपका दानिश ब्लॉग्स। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 और आज मैं बहुत सोया हूँ, तबाह के सोया। मैं बस खाली 3 बजे उठा था, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया वनाया खाया पिया, थोड़ा सा घर पर बात की, उसके बाद फिर सो गया। 3 बजे उठा क्योंकि भाई कल रात में देर में आया था, और देर में आया उसके बाद वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, उसके बाद लगभग मैं सोया था 5:45 बजे। उसके बाद सोया हूँ तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर बाद उठना पड़ेगा, मदरसा जाना है, लेकिन नहीं, मदरसा नहीं जाना पड़ा। तो मैं फिर सोता रहा, लगभग मेरी नींद खुली 12 बज गया आसपास। तो मुझे कहा अभी मदरसा, तो मुझे लगा शायद छुट्टी रही होगी आज। तो मैं फिर सो गया, फिर उठा 3 बजे, 3:30 बजे। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया, फिर थोड़ा बात किया, खाया पिया। उसके बाद मैं बात करी है, फिर नींद आई, फिर सो गया। पता नहीं क्यों नींद बहुत आ रही है, मतलब कि रात में नहीं सो रहा ना, इसके शायद दोपहर में नींद आ रही है। तो अभी मैं आया मोहम्मद के साथ तोब लेने, मतलब कि उसका कब कुर्ता था तो उसने सिलवाया था, तो ईद में उसका कुछ ईद में कि अल्लाह बेहतर जाने कब, तो हाथ वाथ में मतलब कि काफ़ी दाग पड़ गए थे, तो जो मक्सला है वहाँ पर नहीं हो पा रहा था वो चीज़ साफ़, तो दूसरे मक्सले में आया, बड़े मक्सले में। तो अभी उसको लेने के रिसीव करने के लिए आए, दो दिन पहले दे गए थे यहाँ पर, तो अभी लेते हैं, गया है लेने के लिए, देखते हैं कितनी देर में आता है। मोहम्मद आ गया, मिलाते हैं मोहम्मद से, रख रहे हैं पीछे। कैफ़ाल मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 9, और मैं भी आया हूँ अपनी मैडम को लेके उनके पापा के वहाँ। तो आज जो मैं नए वाले घर नहीं गया, उसकी वजह ये है कि आज यहाँ पर पार्टी है। तो जब भी मतलब कि हफ्ते में एक बार तो पार्टी होती है, जिस दिन पार्टी होती है उस दिन वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो आज पार्टी थी, इसके से मैडम मेरी वहाँ नहीं गई है। तो अभी लेके आया हूँ मैं यहाँ पर, और यार नमाज़ छूट गई ईसा की। जैसे ही जमात खड़ी होने वाली थी, मैं जा ही रहा था कि सिगल सियारा का फ़ोन आ गया। अब देखते हैं कोई यहाँ अगल बगल कोई मस्जिद होती तो खुली होगी तो पढ़ लेंगे जाके। एक्चुअली यहाँ क्या सिस्टम होता है ना कि जमात होने के बाद थोड़ी देर बाद मस्जिद बंद हो जाती है, यहाँ मस्जिद खुली नहीं रहती। जैसे अपने लोग के यहाँ होती है कि मस्जिद खुली रहती है, कभी भी कोई जाए, कभी भी कोई नमाज़ पढ़े, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिर्फ नमाज के टाइम पर थोड़ी देर बाद तक मस्जिद खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो अभी हम लोग छोड़ दिया उनको यहाँ पर, देखते हैं अगर कोई मस्जिद होगी तो चलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो दोस्तों गाइस अभी टाइम हो गया है लगभग 12 बज रहे हैं, और मैं अभी बैठा था, टाइम पास कर रहा था, वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहा था, मूवीज़ वगैरह देख रहा था। तो मुझे एक बात मेरे ख्याल में आई कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, भाई जब हम लोग सऊदी अरेबिया कहीं भी जाते हैं तो जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या होता है। तो पहले तो मैं बता दूँ, मेडिकल को मतलब कि जो होता है उसको गमका बोलते हैं। तो जब भी आप गल्फ़ कंट्री जाते हैं तो उसके लिए मेडिकल होता है। तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि जो कुवैत का मेडिकल होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, और जो सऊदी अरेबिया का मेडिकल होता है थोड़ा कम हार्ड होता है। तो मेडिकल में क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, कुछ 6-7 चीज़ें हैं वो चीज़ होती हैं। तो जब आप अपना गमका कटवाएंगे तो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम पर आपको वहाँ पर जिस हॉस्टल का, ऐसा नहीं कि आप सीधा हॉस्टल में जाके वहाँ पर अपना चेकअप करा लेंगे, पहले आपको फॉर्म मतलब कि गमका बोलते हैं फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब किस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिलेगी वो उस पर लिख के आता है। तो आपके आप जहाँ पे हैं वहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, आपको भाग के जाना पड़ेगा। तो आप अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वहाँ पर जाइए हॉस्पिटल में, और उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आपको रिसेप्शन पर जो भी है फाइल वगैरह जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गमका कटवाते हैं कहीं से तो उसके बाद आपको काफ़ी पेपर्स वगैरह देते हैं, और उसमें आपको पासवर्ड वगैरह इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब आप सब कर देंगे तो वहाँ रिसेप्शन पे जाके आप देंगे तो आपका नंबर आएगा। नंबर जब आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं
लाइन से तो नहीं बता पाऊँ क्या होगा आपके साथ क्या नहीं पहले, लेकिन मैं अपना जो मेरे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक आपको मतलब कि अब ऐसा नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि हर हॉस्पिटल में सेम होता है या फिर क्या। मेरा क्या होता है, पहले केबिन में गया था तो वहाँ पे क्या हुआ, पहले मुझसे फीस जमा करवाई जो भी है 5,000 5,500 रुपये लगभग, तो मुझसे पहले फीस जमा करवाई। फिर उसके बाद दूसरे केबिन में गया तो वहाँ पर मेरा हुआ था एक्सरे। एक्सरे किस टाइप का होता है, ऐसे चेस्ट का एक्सरे होता है जो भी उसमें देखते हैं वो लोग, अल्लाह बेहतर जाने, हम लोग क्या जाने उस सब चीज़ों के बारे में। तो एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन इस टाइप की होती है देख सकते हैं, और एक्सरे होता है। उसके बाद आप एक्सरे के रूम से निकलते हैं, दूसरे रूम में सेंड करते हैं आपको। उसके बाद वहाँ पर आपका होता है कलर मतलब आँखों की जाँच। तो आँखों की जाँच होती है, आँखों की जाँच में क्या होता है, एक LCD होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं छोटे छोटे छोटे। तो आपको एक जगह पर खड़े करेंगे पर्टिकुलर जगह पर, उसके बाद आपसे पूछेंगे ये क्या लिखा है दोनों आँखों से, तो आप बता देंगे। उसके बाद आपकी एक आँख बंद करवाएंगे, फिर पूछेंगे, फिर आप बता देंगे, फिर दूसरी आँख बंद करेंगे, फिर पूछेंगे। नंबर चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप याद कर लिए तो बताते रहेंगे। तो आँख बंद करवा के चेक करवाते हैं, उसके बाद आपको दूसरे रूम पर भेजेंगे, वहाँ पर आपकी चेक करेंगे हाइट और वेट। तो ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं तो हाइट वेट ज़रूरी है, कितना कम है ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक उसके लिए कि हाँ इतनी हाइट है इतना वेट है उसके लिए। और उसके बाद चौथा नंबर आता है ब्लड टेस्ट। तो उसके बाद होता है ब्लड टेस्ट, उसके बाद होती है टॉयलेट की टेस्टिंग, मतलब कि आपको एक डिब्बी टाइप की दे देंगे, आप टॉयलेट में जाइए फिल करके दे दीजिए उनको। उसके बाद वो आपको होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मतलब कि आपके कपड़े वगैरह उतरवा के आपको चेक करते हैं। तो देखो ज़्यादा वो बात नहीं है, क्या चेक करते हैं वो आप वहाँ पर पहुँच के आप समझ जाएंगे। बाकी बस इतना ही होता है, इससे अलावा कुछ नहीं है। 5 चीज़ें 6 चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पर जाके करनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह बस उसके बाद बहुत से जो सेंटर्स होते हैं उसमें 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद या फिर शाम तक की उसकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। बहुत से होते हैं कि बोलते दूसरे दिन आना तीसरे दिन आना, आपको स्लिप दे देंगे, तो आप स्लिप लेके जाइएगा तो आपको मेडिकल का वो दे देंगे। तो बस इतना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था भाई प्लीज़ बताइएगा, तो अगर आप भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मे बी आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है, और जाइए इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के जो भी मेडिकल्स हैं सब पास हों, सभी भाई यहाँ पर आएँ, अपनी घर की तकलीफ़ों को सभी तकलीफ़ों को दूर करें, क्योंकि भाई जो भी सऊदी अरेबिया आते हैं घर की परेशानियों को मजबूरी की वजह से आते हैं। तो अल्लाह आपकी मदद करे और आपके रास्ते को आसान करे। ठीक है, अभी टाइम हो गया 12:10 और अभी मेरी मैडम लोग पार्टी करने गई हैं, तो अब कब निकलेंगी यहाँ से मुझे मालूम नहीं है। तो अब देखते हैं कितने बजे निकलती, कितने बजे, क्योंकि 2 मैडम आई, मतलब कि मेरी मैडम है और उनकी बहन है, तो मैडम को मैं छोड़ दूंगा अपने घर पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मैडम है वो 33 नंबर पर है, मेरा रूम है 25 नंबर पर और उनका 33 नंबर पर 15 किलोमीटर दूर, तो उनको छोड़ने जाना पड़ेगा। कितने बजे यहाँ से निकलेंगी, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, अभी तो 12 ही बजे है, 3-4 घंटे अगर रुकना पड़ा, एक तो नींद नहीं आई सबसे बड़ी चीज़, सर्दी इतनी ज़्यादा गर्मी है बिना AC के यहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल है, तो इसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँ भाई, पावर बैंक घुसाया फ़ोन में, देख रहा था मूवीज़ वगैरह। तो आइयो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आगे। 8:28 AM तो गाइस अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा था और मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैंने इसमें देखा कि मैं जो अभी पहले जो मैंने बताया था कि जो मैंने मेडिकल के बारे में बताया है 5-6 टॉप मतलब कि वो बताए थे, तो हिंट दिए थे कि ये चीज़ होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, दूसरा पल्स चेक करते हैं, तो बस यही चीज़ बतानी थी। और गाइस मुझे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई मुझे वीज़ा दे दो, और मैंने उनको बोला था कि भाई मैं कोई ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं हूँ और मैं वीज़ा नहीं दे पाऊँगा, तो उनको लगा कि मैं उनको मतलब कि उनके ऊपर गुस्सा हो रहा हूँ या फिर उनसे रूडली बोल रहा हूँ, तो अगर उनको बुरा लगा हो मेरी बात का है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी व्यूवर्स को उनका मतलब कि उनका दिल तोड़ूँ। और रही बात
वीज़े की, तो अगर वो मेरा डेली व्लॉग देखते होते ना तो उनको मालूम होता कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई मुझे वीज़े की झंझट में मत फंसाइए, क्योंकि मैं जानते हैं आप लोग वीज़े के चक्कर में लोगों की बुराई आती है और यहाँ पर कितना फ्रॉड होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब में मैं फंस के अपनी इमेज ख़राब करूँ। तो इंशाल्लाह कभी मैं लैंग्वेज वगैरह यहाँ की सीख जाऊँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे मेरे नज़दीक कोई होगा वो वीज़ा मुझे देगा तो मैं शायद किसी की हेल्प कर सकूँ। पहली चीज़ तो मुझे लैंग्वेज नहीं आती जिसकी वजह से मुझे वीज़े वगैरह मिल नहीं सकते हैं अभी, और दूसरी बात मैं वीज़े का काम नहीं, दूसरे से मैं बोल भी नहीं सकता। खुद ना खास्ता उसने फंसा दिया तो आप तो मुझे ही जानते हैं कि इन्होंने वीज़ा दिया था तो काम गलत करवाया ये वो, तो मेरे ऊपर बुराई आएगी, इसलिए मैं वीज़े का काम नहीं करता हूँ। और रही बात वीज़े की, तो मेरे जितने भी डेली व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि जिनको भी ज़रूरत होती वीज़े की, मैं एक ट्रैवल वाले हैं जहाँ से मैं आया हूँ पर्सनल, तो उनका मैं नंबर दे देता हूँ। जितने भी मुझे सैकड़ों व्यूअर्स मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो मैं सबको उनका नंबर दे देता हूँ। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो लखनऊ में ऑफिस है, उनको कॉल करिए, समझ में आता है आपको तो आप बात कर लीजिए, वहाँ से काम करवा लीजिए अगर उनके पास वीज़ा है तो। भाई अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी दिल से, बाकी बस यही बताना था भाई। मुझे लगा कि मेरे बोलने में, अब भाई मैसेज में कोई नहीं समझ सकता कि मैं रूडली बोल रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर हाँ यार ये तो रूडली बोल रहा है, लेकिन मैसेज में आप नहीं समझ सकते कि ये रूडली मैसेज किया गया या फिर कोई, ये तो मैसेज तो मैसेज होता है भाई। तो बस इतना ही बताना था कि अगर आपको लगा कि मैं आपसे रूडली बात कर रहा हूँ, गुस्से में बात कर रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। और अगर आपको वीज़ा वगैरह चाहिए तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करिए, वहाँ से आप बात कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच गए हैं, अभी टाइम हो गया है लगभग 2:50, मैं वहाँ से निकला था 1:50 पे और अभी हो गया 1 घंटा पूरा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उनकी बहन को छोड़ा यहाँ पर, उसके बाद मोहम्मद ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया 40 मिनट कम से कम, बर्गर लेने गया, बर्गर वाला 25 से 30 मिनट ले गया, और जाने आने में जो टाइम लगा, तो अभी टाइम मेरे पास ज़्यादा है नहीं, चलते फटाक से नमाज़ पढ़ते हैं, ईशा की नमाज़ कज़ा हो गई है और जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है उसको पढ़ लेते फटाक से, उसके बाद देखते क्या करना है क्या नहीं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।